अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सर का दर्द। तो आज मैंने आपको ये बताना है कि जो आम यानी जिसका बीपी हाई भी ना हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो और वैसे ही किसी वजह से उसको सर दर्द हो जाए तो उसके अंदर हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। तो मैं अपनी हर अब वीडियो के अंदर आपको हर बीमारी की ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो नाज़रीन, जो अमूमन सर दर्द होता है उसके अंदर आपने डिस्प्रिन की 2 टैबलेट ले सकते हैं। उसको क्या करना है, आपने थोड़ा सा पानी आधा गिलास लेकर उसके अंदर दोनों गोलियां डिस्प्रिन की हल कर लें और वो पानी पी लें। इंशाल्लाह आपको 10-15 मिनट के अंदर अंदर फौरन आराम मिल जाएगा। अगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा तो फिर आप पैनाडाल की टैबलेट ले सकते हैं या ब्रूफन की टैबलेट ले सकते हैं या आप एरिनेक की गोली ले सकते हैं। अगर इससे भी किसी का दर्द ना रुके तो फिर वो एनसेड्स, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसके अंदर डिक्लोरान, वोल्ट्राल गोली, डिक्लोरान गोली, नेप्रोक्सन गोली और बहुत सी पेन किलर्स इस तरह की हैं जो आप एक गोली खा सकते हैं। और अगर दर्द बहुत शदीद हो जाए, सर के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो जिसके साथ आपको उल्टी भी आना शुरू हो जाए, तो उसमें आपने ये ट्रीटमेंट लेना है। सबसे पहले आपने टोनोफ्लेक्स पी गोली खा लेनी है, साथ मोटिलियम गोली और साथ इंडिराल की गोली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको अब हर तरह की ट्रीटमेंट बताऊंगा। और मेरे साथ तावन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल के दिए गए आइकन को भी दबा दें। वस्सलाम।